वेलकम बैक टू माय बिस्किट बॉक्स शांत हम फिर से नए बिस्किट करने पर इस टाइम हम ना थोड़े नए जगह पर आए पर नए जगह आप सोचेंगे नेचर का प्लेस होगा ऐसा नहीं कैसे थोड़ा बेडरूम जैसा दिख रहा होगा पूरा बेडरूम होगा ठीक है। तो आज हम लाए सनफिश ब्रांड की तरफ से वाला प्रीमियम क्वालिटी के बिस्किट जो आते हैं डार्क फैंटेसी चोको नट फिल्स ठीक है। तो आता सनफिश की तरह से आना डार्क फैंटेसी चोको नट्स फिल्स ये आता है ओरिजिनल फ्लेवर्ड चोको विथ नट्स आते हैं ठीक है। इसके अंदर आते हैं आपको मिलता है इसमें कैश्यू आलमंड हेजलनट बहुत प्रीमियम चॉकलेट होता है जो इसमें डाले हुए हैं इसके ऊपर डाले हुए हैं दिख रहा है फोटो में हेजलनट चॉकलेट्स है और इसके ऊपर एकदम डॉटेड करके हैं देखिए ठीक है। और ये प्योर वेज बिस्किट है अभी ये बनता है ओनली इन कोलकाता में गाइस इसका मैन्युफैक्चर है इसकी प्राइसिंग है 40 रुपीज प्रीमियम बिस्किट के हिसाब से 40 रुपीज देना ठीक है गाइस ठीक है 40 रुपीज तो ठीक है 75 का ग्राम वेट है इसका गाइस 6 पैक मिलते हैं आपको इसके अंदर 6 पैक्स ऑफ बिस्किट के मिलते हैं आपको इसके अंदर अभी खोल लेते हैं अंदर से फॉर 1 मिनट इसके ध्यान रहते न्यूट्रिशन कंटेंट और इन्ग्रीडियंट अनबॉक्स करने से पहले इसमें लिखे नहीं गए इंग्रेडिएंट नहीं गए लिख दी आपको मिलता है इसमें न्यूट्रिशन कंटेंट बताता हूँ फर्स्ट एनर्जी मिलता है आपको इसमें 534 प्रोटीन मिला आपको इसमें 55 कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको इसमें 62 शुगर मिलेगा 35 टोटल फैट मिला आपको इसमें 29 इसमें आपको विटामिन तो नहीं मिलता है इसमें आपको इंग्रेडिएंट जानना था अभी आपको मिलता है चोको क्रीम आपको मिलता है रिफाइंड पाम ऑयल मिलता है शुगर मिलता है रिफाइंड कोका ओनली कोका सॉलिड्स मिलता है आपको इसमें आयोडीन सॉल्ट मिलता है आपको इसमें और नेचुरल फ्लेवर ऑफ सब्सटेंस ऐड किया गया वो है वेनिला रिफाइंड व्हीट फ्लोर यानी कि मैदा अब शुरू हुआ रिफाइंड व्हीट फ्लोर यानी कि मैदा इधर ठीक है। कैश्यू मिलता है आपको इसमें शुगर मिलता है लिक्विड ग्लूकोज मिलता है आपको इसमें आलमंड मिलता है कोका सॉलिड्स रेजिन एजेंट्स मिलते हैं आपको इसमें बटर और ऐड किए गए इसके ऊपर आयोडीन सॉल्ट और मेन कंटेंट बिस्किट को बनाने का है व्हीट मिल्क नट्स एंड सल्फेट्स गए स्वीट मिल्क नट्स और सल्फेट्स डाले हुए इसके अंदर सोया नहीं आता गए इसमें सोया नहीं आता। अब इसको खोल लेते अंदर से क्या दिखते हैं बिस्किट इधर आपको एक दिए गए सील खोलने जैसे एक सील है जो एक आराम से खुल गया। तो फ्रेंड्स अब इधर से वो बोले थे अंदर 6 पैक्स ऑफ बिस्किट थे अब एक काउंट बोलते एक निकाल लेते बाहर और गए तो टोटल 3 और 3 3 पैक्स होने के 6 पैक्स अब इधर से एक को ले लेते हैं क्योंकि सभी सेम है और आप सोचोगे अब इसको बंद करना है आपको अभी सोचोगे ऐसे ही रख देना अभी ऐसे ऐसे रख देंगे सारे ऐसे कुछ खुल जाएगा या फिर कुछ तो हो जाएगा पर इसको आप ऐसा नहीं रखना चाहते हो आप इसमें एक लॉक कर सकते हो इसको इधर एक इंसर्ट दिया हुआ लॉक मैकेनिज्म है इसमें ये हो जाएगा पूरा एक लॉक सील जो एकदम बढ़िया है देखिएगा इस ठीक है। आप इसको ऐसे खोल सकते हैं या फिर इसको ऐसे डाल सकते हैं और ये हो जाएगा बिस्किट लॉक और ये बन जाएगा आपका एकदम सील और सिक्योर। इसको रख दे साइड पर इधर से लेते हैं एक बिस्किट इसमें क्या ब्रांडिंग किए गए हैं सेम जो इधर है वो इधर भी रखे हुए हैं ब्रांडिंग सनफिश डार्क फैंटेसी चोको नट फिल्स बिस्किट जो कितना प्रीमियम दिखता है पैकेजिंग में ठीक है। अब इसमें एक कंपेयर मार लेते हैं कैसे दिखता है सेम दिखता है ठीक है अभी कंपेयर सेम है ठीक है इसमें अब इसको यानी कि 6 पीस ओके ठीक है ओ अंदर सारे टूटे हुए हैं ऐसे टूट गए थोड़े से अंदर से वो वाला थोड़ा क्रैक हो गया इस बिस्किट अब इसको ये वाला नया ले लेते दूसरा ये एकदम सुपर कंडीशन में लाया हुआ एकदम जी मैं सोचा नहीं था ये बिस्किट थोड़ा डार्क रहेगा इसका कलर देखे तो ब्राउन कलर है इसके ऊपर चॉकलेट क्या कैशियोस भरे हुए हैं इसके अंदर ठीक है अंदर आपको दिख रहे होंगे इसमें कैशियोस फिल किए गए ऊपर से डाले हुए इसके अब इसको एक बार कंपेयर मार लेते हैं एक इसमें क्या कलर है ना इसमें थोड़ा व्हाइटिश कलर है ये थोड़ा डार्क है देखिए ये थोड़ा व्हाइटिश लगेगा आपके बॉक्स में ये पूरा डार्क ब्राउन है पूरा ब्राउन कलर में दिए होंगे ठीक है। अब इसको ऐसे खोल लेते अंदर से फर्स्ट लेते हैं इसका स्मेल फिर इसका टेस्ट वो डार्क हेजलनट का एकदम क्या चॉकलेट रहता है ना वैसा इसका खोल
अंदर से पूरा डार्क चॉकलेट भरा हुआ है इसके अंदर, देखिए। जो जबरदस्त दिखता है इसके अंदर, देखिए कैश्यूज भरे हुए हैं, चॉकलेट तो भरा है इसमें। ठीक है, अब इसको लेते खा के। क्या नंबर वन है, जबरदस्त टेस्ट। वो हेजलनट चॉकलेट का फ्लेवर तो सच में बढ़िया है गाइस। हेजलनट चॉकलेट है ना, जबरदस्त आ रहा है इसके अंदर। बिस्किट का जो फ्लेवर है वो पहले ही चॉकलेट का, उसके ऊपर हेजलनट का चॉकलेट, उसके ऊपर कैश्यूज आलमंड। वो बिस्किट का फ्लेवर ना वो जबरदस्त बनाता है। कैसे आप कैश्यूज के जो पहले एक नट्स आते हैं वो तो रहता ही फ्लेवर, हेजलनट चॉकलेट का जो फ्लेवर है ना वो जबरदस्त है। उसके साथ बिस्किट जो ओनली बिस्किट है उसका फ्लेवर भी, वो चॉकलेट का फ्लेवर आता है उसके साथ मिलके, जो एकदम बढ़िया लगता है खाने में। आलमंड मुझे एक्चुअली इसमें दिखे नहीं पर दालें में लग रहा है। आलमंड थोड़े से छोटे छोटे पीस डाल दिए, फिर भी ये कैश्यूज इसमें आलमंड मिक्स ही करे होंगे। ठीक है, इसमें आलमंड है, हेजलनट, कैश्यूज डाले होंगे। ठीक है, जो एकदम खाने में जबरदस्त लगता है। ठीक है, अभी काम करते हैं, इससे शुरू करता है हमारा एक्सपेरिमेंट, जो आपको पता है तो कमेंट कर देना। चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट विद बिस्किट्स। तो फ्रेंड्स, इधर मेरे हाथ में है ग्लास का पानी और इधर है बिस्किट। अभी इसका लेते हैं स्ट्रेंथ चेक करते हैं, पानी में डाल के 5 सेकंड नहीं 10 सेकंड के लिए, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड बिस्किट गए। ठीक है, और ये ग्लास हो चुकी है क्या, चेंज हो गया इस ग्लास, एकदम प्रीमियम होटल में आए तो क्या लेंगे। जो लोग देते हैं ग्लास ऑफर करते हैं ना वही है, उसके अंदर पानी डाल के देंगे। ठीक है, अभी लेते हैं काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सॉफ्ट हो गए, सॉफ्ट हो गए पर गिरेगा नहीं कैसे क्योंकि हार्ड है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता आप इसको पानी के साथ लीजिए, क्योंकि जो इसका फ्लेवर आता है नॉर्मल खाने पर, वो हेजलनट का फ्लेवर, जो कैश्यू का फ्लेवर इसका मिक्स होकर जो आता है नॉर्मली खाने पर, वो पानी के साथ मिलके जो एकदम अच्छा नहीं लगता है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता आप इसको पानी के साथ लीजिए, आप इसको नॉर्मली खाइए, जबरदस्त जबरदस्त लगेगा आपको इसमें नॉर्मल खाने पे। पानी के साथ मैं इसको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसका फ्लेवर, आप इसको चाय के साथ ले सकते कैसे भी ले सकते, पर चॉकलेट है ना कैसी के, कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं, कॉफ़ी के साथ भी अच्छा ही रहेगा। आप देख लीजिए कि इसके साथ आपको लगेगा, पर इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता पानी के साथ लीजिए। जो इसका फ्लेवर नॉर्मल खाने पे आता था, उसका स्वीट का जो फ्लेवर, हेजलनट का चॉकलेट का फ्लेवर, वो पानी में जाती थोड़ा डाउन होता है, वो बिस्किट थोड़ा पानी पानी जैसा होता है, थोड़ा अजीब सा लगने लग जाता है खाने में, जो अच्छा नहीं लगता। मैं इसको बोलता हूँ नॉर्मली खाइए, जबरदस्त लगेगा इसके। तो फ्रेंड्स, अब मैंने टेस्ट किया एकदम सनफिश ब्रांड की तरफ से आने वाला डार्क फैंटेसी बिस्किट, जो एकदम खाने में एक जबरदस्त है गाइस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जाइए नज़दीकी शॉपिंग मॉल में, मिल जाएगा आपको। इस नए नए बिस्किट है, नए नए लॉन्च हुए गाइस। ठीक है, आपको इसमें और इसको स्कूल जाए जो बच्चों को बोलता, पर ये एक बिस्किट, पहले इसका प्राइसिंग 40 रुपये, एक बिस्किट, ओनली वन बिस्किट आपको पड़ेगा 12 रुपीज़ का, जो बिल्कुल यार 12 रुपीज़ का वन बिस्किट, ओनली वन बिस्किट 12 रुपीज़ का, थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया गाइस? थोड़ा आपका मर्जी, देख लेना, देना है तो दे, नहीं तो नहीं दे, या फिर खुद ही खा लेना गाइस। ठीक है, पर बोलता अगर किसको देना है, हाँ दे सकते हैं, बोलते फेवरेट है ले जाना है, एक ले जा सकते, एक तो ले जा सकते गाइस। ठीक है, नहीं हुआ तो दो दे सकते, कितना भी दे सकते हैं गाइस। ठीक है, जो इन मना भी बिस्किट का रिव्यू आ जाएगा मॉर्निंग शॉप पे, अगला यूट्यूब पे देख के जाना। एवरी डे माता गाइस, ठीक है, एवरी डे एवे माता गाइस। ठीक है, और हमारे वीडियो को जितना चाहे शेयर कीजिए, हमारे चैनल बिस्किट बॉक्स सब्सक्राइब कीजिए, हमें टारगेट रखते हैं वीडियो को 1000 लाइक्स के लिए। और ये कौन सा प्लेस यार, अभी बोलते हो ये तो होटल में आपको कैसा दिखेगा, आप मैं एक आपको गेस मार लेता हूँ, एक देता हूँ मैं हूँ, तो ये है आंध्र प्रदेश के साइड में कृष्णा नदी के पार में भी बड़ा सिटी गाइस। वो बड़ा सिटी का नाम कमेंट कर देना, हम बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम कौन सा, गेस करे तो करेक्ट, गेस करे तो उनका नाम लेंगे। ठीक है गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग फ्रॉम बिस्क्यूट बॉक्स।